दुनिया पर मंडरा रहे महायुद्ध के खतरे और अलग अलग देशों में खुले वॉर फ्रंट को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है, जिनकी माने तो रूस, यूक्रेन और इसराइल और हमास की लड़ाई दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकती है। तीसरे विश्व युद्ध का साया मंडरा रहा है। अब वो यूक्रेन के युद्ध के कारण होगा कि गाजा के युद्ध के कारण होगा, यही बातें चलती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में संघ की नेत्री उर्मिला जामदार की याद में एक प्रोग्राम रखा गया था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने मोहन भागवत पहुंचे थे और जब दुनिया में चल रही घटनाओं पर भागवत से बात रखने को कहा गया तो उन्होंने 5 बड़ी और अहम बातें कही। पहली, तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को लेकर। दूसरी, विज्ञान और हथियार पर। तीसरी, पर्यावरण और बीमारी पर। और चौथी, सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात भागवत ने भारत के विश्व गुरु बनने को लेकर कही। अभी तक मैं भारत रास्ता दिखाएगा बोल रहा हूँ, आप सबको अच्छा लगेगा ये, मैं बाहर बोलूंगा तो कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन जिस समय मैं कहूंगा कि हिंदुत्व रास्ता दिखाता है तब विवाद शुरू होंगे। दरअसल भारत के विश्व गुरु बनने की बात समय समय पर होती रही है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी भारत की खुलकर तारीफ की थी और उसे महाशक्ति का सबसे बड़ा हकदार बताया था। वैसे भी भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा वक्त में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक तीसरी महाशक्ति बन जाएगा।